तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में, जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स लेकर आता जा रहा है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो इंक्रीज हुआ था और 5 ट्रिलियन टोकन्स को रेगुलर बेसिस पर बर्न करने की न्यूज़ सामने आ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पर सामने आ चुकी है। बाइनेंस में हमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव लेवल पर ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर जो एक्टिविटी है, व्हील एक्टिविटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ऑलमोस्ट 3700% से इसमें भी हमें एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो इन सारी अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से इस व्हेल एक्टिविटी का शिबेरियम के पहले शिबा इनू के प्राइस पर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू यानी कि शिब के बारे में। दोस्तों पिछले एक हफ्ते से लगातार हमें रोज डेली बेसिस पर कोई ना कोई नई अपडेट शिबा इनू से रिलेटेड देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर व्हेल एक्टिविटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप व्हेल ने यहाँ पर 27 बिगेस्ट शिबा इनू होल्डर बनने के लिए ऑलमोस्ट 4.15 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स को यहाँ पर अपने वॉलेट के अंदर वापस से होल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा एडिशन, एक बड़ा इंक्रीमेंट हमें इसकी व्हेल एक्टिविटी में भी देखने को मिला, जहाँ पर 3700% से इसकी जो व्हेल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.15 ट्रिलियन टोकन्स को ऐड करके अपने वॉलेट के अंदर, जिनकी वर्थ ऑलमोस्ट 32 मिलियन डॉलर्स है, इन कॉइन्स को ऐड करके ये पर्टिकुलर व्हेल शिबा इनू की 27th बिगेस्ट शिबा इनू होल्डर बन चुकी है। और इस समय पर व्हेल्स में भी एक बड़ा एंगेजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 3700 से इसकी जो व्हेल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है और यहाँ पर बर्न रेट में रिसेंटली हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 71% से इसका जो बर्न रेट है वो पिछले 24 आवर्स के अंदर डाउन पर चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से फ्लक्चुएट होती नजर आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन हमें ऑलमोस्ट 7000% से इसका बर्न रेट जो है वो स्पाइक होता दिखाई दिया था, जहाँ पर 24 आवर्स के अंदर इसके ऑलमोस्ट 100 मिलियन कॉइन्स पूरी तरह से बर्न हो गए थे। तो बहुत ही बड़ी एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है, साथ ही में यहाँ पर शिबा इनू प्राइस प्लंग्स ट्रिगर्स मैसिव शिब ट्रांसफर्स ऑन बाइनेंस, यानी कि यहाँ पर शिबा इनू की जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। साथ ही में यहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टर्स अब बाइनेंस में अपने कॉइन्स को होल्ड करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होल्डर्स है उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1.3 मिलियन शिबा इनू के होल्डर्स पूरे हो चुके हैं और ऑलमोस्ट इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट 0.016% इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो शिबा इनू का प्राइस भी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर, पिछले 7 दिनों के अंदर इसकी प्राइस में हमें ऑलमोस्ट 3-4% की ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं इसके प्राइस में हमें धीरे धीरे बढ़ता फ्लक्चुएशन, बढ़ती ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर करंट अपडेट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन टोकन्स को शिबेरियम हर महीने बर्न करता दिखाई देगा और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जैसे ही मैसिव लेवल पर हमें इतनी बड़ी बर्निंग्स देखने को मिलेगी, इसका प्राइस जो है वो बुलरन आने पर आराम से 1 रुपए को टच करता नजर आ सकता है। साथ ही में काफी सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ये भी कहना है कि ऑलमोस्ट अगर बुलरन में ये कॉइन 1 रुपए तक टच नहीं करता है तो कम से कम इस कॉइन को 5 साल का समय लगेगा अपने प्राइस में 1 रुपए तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ शिबेरियम ने भी रिसेंटली एक नए माइलस्टोन को अचीव कर लिया, जहां पर 30 मिलियन के माइलस्टोन को इसने केवल 24 आवर्स के अंदर अचीव कर लिया है। बहुत ही बड़ी अपडेट है यहां पर शिबेरियम और शिबा इनू की, जो मार्केट में पूरी तरह से शिब आर्मी के लिए एक अच्छा खासा एंगेजमेंट बनाने की कोशिश करी है और इसी वजह से यहाँ पर शिबा इनू का जो बर्न रेट है और शिबा इनू का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ग्रो करता नजर आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने शिब से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी के साथ में हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह से प्यार करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर लाते रहे। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।